नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ खबर मौसम से जुड़ी हुई है जहां बिहार में एक बार फिर गर्मी का टॉर्चर बढ़ने जा रहा है जी हाँ बिहार के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है जहां एक बार फिर उमस भरी गर्मी और तपिश से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हीट वेव की भी चेतावनी जारी की गई है जहां बीते कई दिनों से बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ था आंधी तूफान और बारिश के साथ लोगों को काफ़ी राहत मिली थी मौसम सुहावना हो गया था तो एक बार फिर से गर्मी ने अपना रंग दिखाना बिहार में शुरू कर दिया है क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की तरफ से निकलकर सामने आई है आने वाले दिनों में बिहार कि विभिन्न जिलों में मौसम का हाल कैसा होगा जानते हैं दरअसल बिहार में एक बार फिर से गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है राजधानी पटना हो या बक्सर शुक्रवार को सुबह के 26 शहरों में पारा ऊपर चढ़ा हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई बावजूद इसके अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिला है जानकारी के मुताबिक अगले तीन से चार दिन मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बारिश और बादलों का दौर नजर आया उससे तो यह सवाल उठने लगे थे कि क्या इस बार गर्मी आएगी या भी नहीं हालांकि अब पछुआ हवा की वजह से गर्मी का असर महसूस होने लगा है पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज से अधिकतम तापमान में उछाल देखने को मिलेगा यह अगले तीन से चार दिनों तक जारी रहने के आसार है ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार गर्मी नहीं पड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बक्सर में शुक्रवार को ही पारा चालीस के करीब पहुंच गया राजधानी पटना ही नहीं दूसरे कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है सूबे में अधिकतम की स्थिति तो बक्सर सबसे गर्म रहा यहां पारा उनचालीस दशमलव आठ डिग्री दर्ज किया गया बताते चले कि पटना में शुक्रवार को अधिकतम तापमान दो दशमलव सात डिग्री तक ऊपर गया यहां पारा पैंतीस दशमलव सात डिग्री रिकॉर्ड किया गया गया में छत्तीस दशमलव चार नवादा में सैंतीस दशमलव एक जमुई में पैंतीस दशमलव आठ भोजपुर में छत्तीस दशमलव सात मुजफ्फरपुर में तैंतीस दशमलव दो औरंगाबाद में छत्तीस दशमलव सात वैशाली में पैंतीस दशमलव चार डिग्री दर्ज किया गया इसी तरह दरभंगा सुपौल पूर्णिया किशनगंज वाल्मीकि नगर मोतिहारी समेत कई शहरों में अधिकतम तापमान बढ़ने से गर्मी का असर काफी देखने को मिल रहा है okay <laughs> बहरहाल वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पारा कुछ नीचे गया है इनमें बेगूसराय शेखपुरा कटिहार जिले शामिल हैं बेगूसराय में एक दशमलव तीन डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान चौंतीस दशमलव दो डिग्री रहा शेखपुरा में सैंतीस दशमलव दो कटिहार में तैंतीस दशमलव चार डिग्री पारा दर्ज किया गया इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक करीब छह से सात दिन में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है पूर्वैया हवा का असर आने के बाद तापमान में कुछ कमी के आसार हो सकते हैं जानकारी हमने आपको मौसम की साझा की है जहां बिहार में अगले तीन से चार दिनों तक तपिश भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए जब तक जरूरत ना हो घरों से बाहर ना के लिए गर्मी से बुजुर्गों और बच्चों को खास तौर पर बचा के रखें ऐसा मौसम विभाग का मानना है कि छः से सात दिनों के बाद एक बार फिर बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिख सकता है फिलहाल के लिए मौसम के अपडेट्स में अपना ही ना अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन Right. Namaskar. Scott.